यस बेटा, लगेगा भयंकर थक गए हो, लगेगा बस अब और नहीं, पर सब रोक के रखना। बट आप एक बात समझ के रखे, राइट? सिर्फ जिनमें पेशेंस होता है उन्हीं का काम है सीए, बाकी किसी हर एक के बस की बात नहीं। सो मैंने जब आया, रिलेटिव वॉज लाइक, तू सीए करेगा? हमें स्कॉलर सीए करते हैं। डीमोटिवेट किया। ये पूरा कोर्स पेशेंस ही है। पेशेंस ये चीज सिखा रहा है कि कल चल के जब सीए के ऑफिस में बैठोगे अपने चेयर पे, सीए के ऑफिस में बैठोगे अपने चेयर पे, ऐसा होता है कि दिन भर एक क्लाइंट भी नहीं आता, और ऐसा भी दिन गुजरता है जब क्लाइंट ही क्लाइंट होते हैं, तुम्हारे पास टाइम नहीं होता। वो समय होगा मार्च, वो समय होगा जुलाई, वो समय होगा सितंबर, जब तुम्हारे को खाना खाने की फुर्सत भी नहीं होगी। मेरी बात लिख के लेना कि मार्च जुलाई सितंबर खाना खाने की फुर्सत नहीं होगी। क्लाइंट पैसा लेकर रेडी है, पर तुम बोलोगे बाद में आ, बाद में देखते, मेरे को पहले काम करने दे। फाइनल में गया, हाँ अच्छा है, मतलब अटेम्प्ट लगे ना, कोई बात नहीं, पर हो जाता है, मतलब यू नो बच्चा हो ही जाता है अल्टीमेटली। सी कॉलेज नहीं है, सेमेस्टर नहीं है। फाइनल पास हुआ, फाइनल पास होने के बाद दे वॉज लाइक, होशियार तो तू हमेशा से ही था। क्लाइंट प्रीमाइसेस पे जिस दिन रेड पड़ती है, क्लाइंट प्रीमाइसेस पे जिस दिन रेड पड़ती है, तुम अपना सारा काम छोड़ के सिर्फ इसलिए नहीं जाते क्योंकि पैसा मिलने वाला है। वो तो मिलेगा, बाय प्रोडक्ट है। सीए के लिए पैसा कभी भी बाय प्रोडक्ट है बेटा, ये याद रखना, क्योंकि एक बार सीए बन गए पैसा तो आना ही है बे, जाएगा किधर। एक चीज जो तुम्हारे को तुम्हारे लाइफ में लीड करने के लिए चाहिए ना, वो है खुद पे भरोसा। कि साला कोई और भरोसा करे ना करे, तुमने अपने ऊपर भरोसा करना और एक विजन लेकर के आगे बढ़ना कि साला मेरे को यहां तक तो पहुंचना ही है। पर एक बात याद रखना, जिस दिन क्लाइंट के यहाँ रेड पड़ती है, उस दिन तुम अनटायरिंग खड़े रहते हो, क्योंकि पूरे 6 साल के असेसमेंट खुलते हैं पिछले, तुम खड़े रहते हो, उसके घर वाले रहे ना रहे, तुम खड़े रहोगे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूं। जिस दिन डिमोनेटाइजेशन हुआ, आदमी परेशान हो गया, सिर्फ एक आदमी खड़ा रहा, सीए। वो रात कयामत की रात थी, धंधे वालों के लिए कयामत की रात थी, क्योंकि आदमी परेशान पैसे का करे क्या, और सीए बोला आओ। एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि तुम परेशान हो जाओगे कि साला पैसा तो है, मैं इसको खर्चू किधर। टेंशन नहीं लेना, ये सब जितना पेशेंस है ये उस दिन काम आएगा। एक एक पसीने का बदला उस दिन काम आएगा जब मेरी मम्मी के आंख में आंसू रहेगा, मेरा बच्चा सीए हो गया। सब मेहनत उस दिन काम आएगी, सब मेहनत उस दिन काम आएगी। पर ऐसा होगा नहीं, तीसरे ईयर से तुम्हारा इनकम पर मंथ 1 लाख के ऊपर चालू हो जाएगा, ये मेरा गारंटी। छोटे ड्रीम के लिए छोटी मेहनत लगती है, तुम डिसाइड करो तुम्हारा ड्रीम कितना है। मेरा ड्रीम है पुणे में सीए का बच्चा है तो वो मेरा ही होना। पहली बार चलना भी लाइफ में बहुत मुश्किल था, तुम 10 बार गिरे थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम आज गिर चुके हो। आज तुम उठ भी सकते हो, भाग भी सकते हो, दौड़ भी सकते हो, सिर्फ एक चीज से बच के रहो, वो है रुकना। रुको मत किसी भी चीज में, पागलों के जैसे वर्क करने का। 26 जनवरी सीए बनने के बाद अपने मम्मी पापा को शॉपिंग मॉल में लेके जाओगे, जिस चीज पे अच्छे लग रहे हैं वो चीज उठा लेने का, टेंशन नहीं लेने का, और जेब से निकालोगे कार्ड, मम्मी ये कार्ड रख, जो पसंद आए ले लेना, मैं चाय पी रहा। दिन खत्म हो गया, फर्क नहीं पड़ता, रात आ गई, फर्क नहीं पड़ता। तेरा दिन या रात तेरे गोल से डिसाइड होनी चाहिए मेरे भाई। बट हाँ, एक और बात है जो इस चीज के साथ आती है, और वो ये कि ये आगे के 30 साल अगर तुमको मजे से चलने हैं ना, तो ये 3 साल की ना ऐसी तैसी पूरी करानी पड़ती है। इस 3.5 साल ऐसी तैसी पूरी करानी पड़ती है। कोविड वाला टाइम था साहब, सिर्फ 3 प्रोफेशन ऐसे थे जिसको बाहर निकलना अलाउड था, पुलिस, डॉक्टर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। दिस इज योर वैल्यू, समझ आ रही है बात? सीए बनते ही ना तुम्हारे को इंस्टीट्यूट की तरफ से एक कार्ड मिलता है, यू आर कंसिडर्ड एज गुड एज ए कैटेगरी ऑफिसर। 2 से 3 बार टोल नाके पे ऐसा हुआ है, मैंने लिटरली ऐसा कार्ड निकाल करके दिखाया, कार्ड में लिखा होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, क्रिएटेड बाय अ सेपरेट एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट।